नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हो एजे भट्टी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल पे अपनी जो भी यूट्यूब पे स्ट्राइक कैसे पड़ती है, फर्स्ट स्ट्राइक किस तरह आती है और उसमें आपको कितना टाइम लगता है, जो कि अपने वीडियो अपलोड करने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, फर्स्ट स्ट्राइक आती है वो आपके कम से कम वीक वीक के लिए आप अपना वीडियो है वो अपलोड नहीं कर सकते। और दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें एक आती है आपको कम्युनिटी गाइडलाइन से स्ट्राइक आती है, उससे वो फर्स्ट वाली रहती है, वो वार्निंग रहती है। क्योंकि वार्निंग आपको इसलिए देते हैं कि आपका कौन सा भी कीवर्ड वगैरह रहे तो आप उसे ठीक कर सकते हो। और दोस्तों, दूसरी बात हुई कि आप अपने मोबाइल में जो भी अपने आपको स्ट्राइक पड़ती है तो पहले आपको उसकी वार्निंग ही मिलती है, और उसके बाद दोस्तों आप उसमें और भी उस आपके तो कुछ कुछ गलती हो जाती है थोड़ी बहुत छोटी छोटी, तो उसमें आपको पहली स्ट्राइक मिलती है वो 1 वीक के लिए मिलती है। क्योंकि 1 वीक में आप अपने वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर सकते, और उसी तरह से आपको अपनी स्ट्राइक है वो 1 वीक के लिए आपको मिलती है। और अपने 1 वीक के लिए, क्योंकि 1 वीक के लिए तो आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, और उसके बाद आपको कम से कम वो आपको 90 दिन के लिए उस पर आप अपने जो भी वीडियो स्ट्राइक आ गई उसके बाद दूसरी स्ट्राइक, और 1 महीने 90 दिन के अंदर अंदर आपको 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। क्योंकि 1 वीक का तो इसलिए ऑप्शन देता है कि आप 1 वीक के लिए वीडियो अपलोड ना करें, क्योंकि कुछ वीडियो रहे तो आप उसे चेक कर सकते हो, इसलिए आपको 1 वीक के लिए टाइम देता है। क्योंकि आप अपने वीडियो कौन से भी कोई ज़्यादातर अपने वीडियो ऐसे ना रहे कि आप अपने वीक के लिए अपना जो भी वीडियो रहे वो उसमें भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहेगी आप अपने वीडियो को खो बैठे, तो उसी तरह से आप अपने वीडियो को भी जाएगा और अपना चैनल भी जाएगा। उसके लिए आपको 7 डेज का ऑप्शन देता है कि 7 डेज में आप अपने चैनल को चेक कीजिए। चैनल को चेक करने के बाद ही आपको अपना जो भी अपलोड करते थे आप एक बार चेक करते थे, आपको मालूम पड़ जाता है कि इसमें अपना जो भी वीडियो वो किस तरह का वीडियो और किस तरह के वीडियो में आप अपनी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी तरह से आपको वीडियो देखकर ही इसमें आपको पता करना चाहिए कि आप अपने स्ट्राइक चेक कर सकते हो। और उसी तरह से आपको दूसरी स्ट्राइक आ जाए तो दूसरी स्ट्राइक में आपको ये रहेगा कि आप अपने जो भी वीडियो है वो दूसरी स्ट्राइक में इस तरह से रहेगा कि आप दूसरी स्ट्राइक में उसे आप अपने 14 दिन का टाइम लगेगा, जो कि 14 दिन इसलिए देता है कि आप अपने वीडियो पर 14 दिन दो आपके लिए एक टाइम कम है, और इससे आप अपना डबल टाइम इस पर आप अपना डबल टाइम पर देखें, जो कि अपना यूट्यूब पे आपको मालूम पड़ता रहेगा। क्योंकि डबल टाइम पे आप देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ कि भाई चेकअप 2 बार आप कर सकते हो, अपना जो भी चैनल रहेगा उसे आप बार बार चेकअप कीजिए। क्योंकि अपना चैनल आपको 1 वीक में एक बार तो करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही 1 वीक में 1 वीक में आप अपने जैसे वीडियो अपलोड करोगे उसके हिसाब से आपको 1 वीक के हिसाब से आपको अपना चैनल है वो चेक करना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने नहीं देखोगे तो आपकी तीसरी स्ट्राइक भी आ सकती है, और उसके कारण ही ये टाइमिंग आपको 14 दिन और 7 दिन का टाइमिंग देता है। जैसे 7 दिन और 14 दिन और तीसरी स्ट्राइक के लिए आपको कोई टाइमिंग नहीं देता, जैसे तीसरी स्ट्राइक आएगी तो आपके 7 दिन बाद अपना चैनल वो यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा, जो कि उस चैनल को आप अपने सर्च करोगे तो भी आपको चैनल नहीं मिलेगा। उसी तरह से इसमें आप अपने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज ध्यान देकर आप अपने यूट्यूब पर चेक कर सकते हो। और दोस्तों, साइड में आपको स्क्रीन दिख रही है, आपको इधर देखने को मिल जाएगी जो कि 3 स्ट्राइक किस तरह से आती है। क्योंकि हमारे जो 3 स्ट्राइक वो एकदम आ जाए तो हमारा चैनल वो 7 दिन के बाद ही यूट्यूब से रिमूव हो जाएगा, जो कि 7 दिन के बाद आपको चैनल देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।